पिता पुत्र पर तलवार से प्राणघातक हमला करने मामले में चौकी लटोरी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पीड़िता की पत्नी भी शामिल है। सूरजपुर जिला में 26 जून को ग्राम लटोरी निवासी संजय अग्रवाल ने चौकी लटोरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 जून की रात करीब 1:15 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति घर में चोरी करने की नीयत से घुस गए थे। उनकी आहट और टॉर्च की रोशनी से उसका नींद खुल गया। जैसे उसने कौन है कहकर उठा, एक व्यक्ति तलवार से प्राणघातक प्रहार कर दिया। जब पीड़ित व्यक्ति हल्ला किया तो उसके पिता सुभाष अग्रवाल भी उठ करके उसके पास आए, पीड़ित के ऊपर प्रहार करने वाले व्यक्ति को डंडा से मारे, किंतु एक अन्य व्यक्ति उसके पिता पर तलवार से प्रहार कर दिया, जिस पर दोनों हल्ला करने लग गए। उनकी आवाज सुनकर के पास के फौजी ढाबा से कुछ लोग इनके घर की तरफ दौड़े, जिन्हें देख करके हमलावर दोनों व्यक्ति वहां से भाग गए। दोनों हमलावर व्यक्ति चेहरे में गमछा बांधे थे, जिस कारण उन लोगों को पहचान नहीं पाए थे। अज्ञात हमलावर का तलवार और एक व्यक्ति का गमछा हुए झटकी में वहीं छूट गया था। पुलिस ने धारा 307, 394, 450 भारतीय दंड विधान एवं 25 आर्म्स एक्ट तहत मामला पंजीबद्ध किया था। पुलिस को इस दौरान विशेष सूचना प्राप्त हुआ कि सुनीता अग्रवाल, जो कि पीड़िता की पत्नी है, उसकी चरित्र कुछ ठीक नहीं लग रही है। संदेह पर सुनीता अग्रवाल, जागेश्वर चौधरी व मित्रेश चौधरी को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ पर सुनीता अग्रवाल ने बताया कि उसके पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिस कारण उसे ऐसा करने से मना करती थी। इस बात पर दोनों में विवाद होता था। इसी बीच जागेश्वर और मित्रेश से इसका परिचय हुआ और पति के घर पर बहुत सारा पैसा रखा है करके उसने जानकारी दे दी। घर वालों को मारकर पैसा चोरी कर ले जाना और कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना कर करके उस महिला ने योजना बनाई थी। 25 जून की रात को मोबाइल संपर्क कर दोनों को बुलाए और जगेश्वर और मित्रेश के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मामले में आरोपी सुनीता अग्रवाल पति संजय अग्रवाल उम्र 30 साल ग्राम लटोरी, जगेश्वर चौधरी पिता महेंद्र चौधरी उम्र 30 साल ग्राम द्वारिका नगर और मित्रेश चौधरी पिता विष्णु प्रसाद चौधरी उम्र 33 वर्ष ग्राम बैगापारा लटोरी चौकी लटोरी को गिरफ्तार किया गया है।